मंत्री जी को लाने का क्या उद्देश्य है आपका? मंत्री जी से कैसे प्रभावित हैं आप? उनके कामकाज से हम लोग प्रभावित हैं। हाँ, वो आने वाले समय में और किए भी हैं और करते भी हैं, इसीलिए हम लोग उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में, जन समर्थन के रूप में उनको सहयोग देने के उद्देश्य है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी कहेंगे। इसमें बेरोजगारी के तमाम सुविधा जो आने वाली सरकार ही सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और जो पिछली वाले जो सरकार थी वो ध्यान देते थे, ये सरकार में कोई ध्यान ही नहीं है। मतलब पहले जो सरकार मंत्री जी के समय था उसमें ध्यान दिया गया, इसके बाद नहीं ध्यान रहा? इसके बाद कोई ध्यान यहाँ पर, पूरे बेरोजगारी से मारे हुए हैं यहाँ किसान लोग मरे हुए हैं। किसी को यूरिया नहीं मिल रहा है समय से, किसी को DAP नहीं मिल रहा है, तमाम प्रकार की ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही इस सरकार में। ऐसी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए आने वाले समय में। हम लोग अपना जन समर्थन SP से हमारे पूर्व मंत्री विजय सिंह जी, उनको हम लोग भारी से भारी जन समर्थन देंगे। मंत्री जी का जो 27 साल का कार्यकाल था वो कैसा था? ये 27 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा था, अच्छी से अच्छी और विकास भी किए हैं। मैंने गरीबों पर, बेरोजगारों पर, सब पिछड़ों पर ध्यान देते थे, सब ध्यान देते थे। हाँ, बताइए भैया, आपका क्या नाम है? राम भाई। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये है कि हम उनके सिंचाई उचाई कोई साधन नहीं है, ये है हम लोग खोज रहे हैं, पा नहीं रहे हैं, न गली पर रोड नहीं आ रहा है। इस बार विजय सिंह का, इस बार विजय सिंह का सपोर्ट करेंगे। हाँ, अच्छा। और उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ। और मौजूदा जो सरकार है उनका कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं। सरकार जो है ऐसा कर दिया है, कोई कहीं थे बात नहीं कर, बात कर जावा तो बड़े बड़े ठाकुर बाबन कोई नहीं सुनते, नहीं सुनते हैं, गरीबों का नहीं सुना जाता, नहीं सुना जाता। हाँ, ठीक। चाचा जी, क्या नाम है आपका? राम। हाँ, बताइए क्या कहना चाहेंगे? इस बार चुनाव समीप आ गया है विधानसभा का, और किस प्रकार से वोट करना चाहेंगे? विकास के नाम पर कि जाति और धर्म के नाम पर? विकास के नाम पर। आप बताइए। सर, हम तो यही चाहते हैं कि हम लोगों का विधायक जी वही पुराना जो है विजय सिंह, वही हम लोगों का अच्छा है। अच्छा अच्छा। जितना हम लोग चाहते हैं उसको कि जितना भारी से भारी मतों से वो जीतें कि कोई उसके टक्कर में ना आवे, और वो हम लोगों के इतना सुविधा दिए थे कि जमीन के विषय में और जंगल के विषय में, धारा 20 के विषय में वो इतना मुद्दा उठाए थे, वो हम लोगों को बहुत अच्छा किया था। धारा 20 का जो विवाद है अभी भी लंबित है। हाँ, अभी भी लंबित है। वो विधायक जी रहेंगे तो वो लंबित को खत्म कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं, उनके समय से लंबित है, और इसके बाद कई विधायक हुए नहीं उसका प्राप्त है, वो चीज को कर ही नहीं पाए, उस पर ध्यान नहीं आया, कोई ध्यान नहीं दिए हैं। अच्छा, महंगाई चरम सीमा पर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत आगे बढ़ गया है, जैसे कि कंट्रोली दुकान में 5 किलो देते हैं सरकार, तो इसके बाद उसका दुन्ना निकाल लेते हैं इधर। अब ये तेल में ये मसाला है और ये नमक है, और नमक में साला दे रहा है उसे शीशा और ये सब दे रहा है उसी में, मतलब आदमी उसमें मर जाए, ये चाह रहा है भाजपा सरकार। अच्छा, और ये तो विधायक जी जो अखिलेश दिया था, दूध दिया था, घी दिया था, चना दिया था, मटर दिया था, ये एकदम अच्छा किया था, और ये तो अनेक चक्कर में पड़ा है भाजपा सरकार। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि शीशा है उसको घोल के देखे हैं? हाँ, घोल के देखे हैं, थाली में घोल के ऐसे देखे तो लौकने लगा वो शीशा। अच्छा अच्छा, और भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम सिंह गुप्ता। हाँ, तो चुनावी माहौल चल रहा है,
और आप विकास के नाम पर वोट करेंगे कि जाति धर्म के नाम पर करेंगे या व्यक्ति विशेष? हम लोग जो है विकास के नाम पर वोट करेंगे। अच्छा, तो विकास के नाम पर क्या विकास चाहते हैं? विकास चाहते हैं गरीबों का जो है कि विकास हो, और इसमें जो है कि शिक्षा को लेकर के, और इनकी सरकार जब आई जिसमें कोरोना काल में पूरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं रहे हैं, घर पे हैं, बड़े लोगों का बच्चे जो है कि स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, और यहाँ गरीबों के बच्चे जो है विकास नहीं पढ़ पा रहे हैं, बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, गरीब और नीचे गरीब होते जा रहे हैं, इनको हर तरह से बड़े लोग शोषण कर रहे हैं, इनका कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। आज जनता जो है अंगूठा लगा रहा है, उनको गल्ला नहीं मिल पा रहा है, समय से नहीं मिल पा रहा है, अंगूठा लगा रहा है जा करके, अंगूठा नहीं लग रहा है उनका, लग रहा है बोल रहा है कोटेदार कहीं कहीं की उनको नहीं दिया जाएगा, अंगूठा नहीं लगेगा। राशन वितरण में भी काफी धांधली किया जा रहा है। अच्छा, तो जैसे कि अभी मूल रूप से कांग्रेस से बसंती पनका और बहुजन समाज पार्टी से हरिराम चेरू और भाजपा से राम दुलारे जी और समाजवादी पार्टी से श्री विजय सिंह गौड़ जी खड़ा है, किसको चुनना चाहेंगे आप? हम लोग विजय सिंह गौड़ को चुनना चाहेंगे यहाँ से, अखिलेश को भारी बहुमत से जो है इनका सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ हाँ, और यहाँ के जो विजय सिंह गौड़ जी हैं प्रत्याशी हैं, उनमें क्या खासियत है, क्यों चुनना चाहेंगे? ये जो है कि अच्छे हैं, ये सबका सुनते हैं, जो है गरीब हो या जो भी व्यक्ति है उनका सबका बात सुनेंगे, बड़े हो छोटे का, और बाकी इसमें जो भी विधायक आए किसी का सुनते नहीं। पूर्व में जो विधायक आए किसी का नहीं, किसी गांव में कभी आए नहीं, कोई अभी तक चेहरा नहीं पहचानता है, अभी बहुजन में वो चले गए, अभी जो है कि अभी आके प्रचार का जब समय आया घूम रहे हैं। मंत्री जी आप लोगों के बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं? उपस्थित रहते हैं और रहेंगे, हम समस्या का यहाँ समाधान करेंगे, सबको सबकी बातों को जो है कि रखेंगे, सदन में ले जाके बात को रखेंगे, क्या है गरीबी, क्या यहाँ विधि विधानसभा का जो है कि वो चल रहा है सब। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यह विधि विधानसभा का सिंदूर ग्राम पंचायत है, और यह क्षेत्र पूर्ण रूप से आदिवासी बाहुल्य है, और आदिवासी यहाँ का विधानसभा सीट भी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं पर, और इस क्षेत्र में जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं रहता है, और जो चिकित्सा है, जो गंभीर रूप से मरीज हो जाते हैं तो उनको कोई ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं है, लोगों को यहाँ से रेफर करना पड़ता है, और जैसे कि किसानों का है, किसानों का यहाँ पर खेती किसानी का काम भगवान भरोसे है, और आप देख सकते हैं क्योंकि आदिवासी है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से इस बार यहाँ समाजवादी पार्टी का बहुमत से सरकार होने जा रहा है, और आगे भी हम इस प्रकार का वीडियो आगे दिखाते रहेंगे, और आप बने रहिए हमारे साथ। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज, दिल्ली।